अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआ की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज अहमद की तबीयत बहुत ख़राब थी, बल्कि कुछ दिनों से इसको बुखार था हल्का हल्का। आज इसको बहुत तेज़ बुखार था और फ्लू हो गया था। तो मैंने उसको कहा कि चलो मैं तुम्हें स्टीम दिलाती हूँ तो उससे कुछ रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं उसको स्टीम दिला रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ा सा विक्स, और उसके बाद इसमें मैंने इसको जो है ना स्टीम दिलाई, ताकि उसको फिर सोने में आसानी हो। उसको सांस नहीं आ रही थी सोने के बाद, इसीलिए मैंने उसको ये स्टीम दिलाई। और ये फ्रेंड्स क्लिप जो है ना रात की थी। इसकी तबीयत रात को ख़राब हो गई थी, नींद नहीं आ रही थी इसको। तो मैं भी सोई हुई थी, अचानक से ये रो रहा था। तो फिर मैंने इसको कहा तुम रो मत, मैं तुम्हें स्टीम दिलाती हूँ, उसके बाद तुम्हें आसानी से नींद आ जाएगी। तो यहाँ पे ये ले रहा था स्टीम, इसकी आँखों में जा रही थी ये भाप जो है विक्स वाली। तो ये इस वजह से इसने अपनी आँखों पे ये मास्क लगा के कवर कर दिया। और फिर जो है ना फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। उसके बाद फिर उसने उतार दी, इसने स्टीम दे के फिर ये सो गया था आराम से, इसको नींद आ गई थी। तो यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे। और फिर मैं कर रही थी घर की सफाई, वार्डरोब सारा मैंने साफ़ किया, कपड़े वगैरह जो भी प्रेस वाले थे वो प्रेस वाले सेट कर रही थी, लेकिन ये करने ही नहीं दे रहा था अमानत। इतना उसने मुझे तंग किया। जब मैं वो कपड़े समेट कर एक साथ तह लगा के यहाँ पे रखने वाली होती थी तो ये वहाँ पे बैठ जाता था। बहुत शरारती है ये छुप रहा था ताकि मुझे कोई देख ना सके। अगर देख लेगा तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए वो छुप रहा था। लेकिन फिर मैंने भी इसको कहा कि निकलो अभी, तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो। बस फ्रेंड, फिर मैंने उसको बाहर निकाला। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी में मैंने अपने कपड़े सारे सेट किए। उसके बाद ये दुपट्टों का एक ड्रॉ है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से दुपट्टे बंद करके सारे रखती हूँ, वैसे कपड़ों के साथ नहीं रखती हूँ। ये ज़्यादा आसानी होती है जब कोई शर्ट पहननी हो, या टू पीस या थ्री पीस जो भी शिफॉन के दुपट्टे होते हैं वो सारे इसी तरीके से मैं बंद कर। ये देखें फ्रेंड्स, ये फिर आ गया था मुझे तंग करने। इतना तो इसने मुझे आज तंग किया है कि कोई काम ही करने नहीं दे रहा था। मेरे सारे दुपट्टे उठा के बाहर जाके फेंक रहा था। यकीन करें कि बहुत मुश्किल होता है, सारा दिन ये लगा देता है। कोई काम करती हूँ तो फिर आके उसमें घुस जाता है। मेरे सारे दुपट्टे लेके बाहर जाके फेंक रहा था, फिर मैं वहाँ से जाके लेके आ रही थी अपने दुपट्टे। बहुत इसने तंग किया, सारा दिन आधा दिन तो मुझे इसी काम में लग गया था। तो जी फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे दुपट्टे सारे सेट करके रख दिए हैं उसी ड्रॉ में साफ़ करके। अभी करूँगी रूम की क्लीनिंग, और बाकी सारे घर की क्लीनिंग हो चुकी है। अभी बस ये रूम की करूँगी, फिर उस सारा काम हो चुका था। अभी बाकी है जादू करना, रह गया है तो चलिए करते हैं जादू। देखिए फ्रेंड्स, अगर इतना आसान होता सफाई करना तो क्या ही बात थी। बस फिर सफाई की, घर का जो भी काम था वो ख़त्म किया। उसके बाद हमारा प्रोग्राम बन गया कज़न के घर जाने का। तो हम जा रहे थे कज़न के घर, तो मिलते हैं आपसे वहीं।
पहुंच गए थे, थोड़ी देर बैठे आपस में मिले जुले, उसके बाद यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट लग चुकी थी तो मैंने सोचा आपके लिए भी थोड़ी सी क्लिप बना लूँ। यहाँ पे बच्चों के लिए कज़न ने क्रैकर्स बनाए थे जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी फरमाइश पे यही बने थे, और हमने चाय के साथ किए पकौड़े इंजॉय। गेम्स खेले हैं तो अब भी हम खेलेंगे गेम्स। तो ये सेट हो चुका है, तो आ जाओ। बताते हैं इस गेम को खेलना कैसे। तो पहले तो हमें तो भागना है ना, हम तो सर नीचे करके भागेंगे, हमारा कद बड़ा है मतलब से, तो हम तो मतलब हमारा ऐसे करके चलेंगे। और एक रूल है कि कोई यहाँ पे छुपता है और भागने वाला उसको ऐसे लाइन से पकड़ेगा, यहाँ पे आके फिर सही है ऐसे जाके फिर घूम के नहीं आ सकता, एक ये रूल है। और इसमें बीच में एक दूसरे को पकड़ना नहीं है और इसको गिराना नहीं है। अभी हो गई थी रात, मैं यहाँ से देखने आई थी, रात के बज रहे थे 8, तो मैं बाहर का व्यू देख रही थी। अभी अच्छा था मौसम, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और फिर उसके बाद जो है खाना लग चुका था तो हमने खाया खाना। तो फ्रेंड्स व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना। तो ये व्लॉग था यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।